तो मेरा ये रहा कुछ पहले का पिक जो ऑपरेशन के पहले का है, तो आप देख लीजिए। और ये ऑपरेशन के समय का है और आपको कुछ बाद वाला रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ऑपरेशन के बाद, और ये आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ, और ये देखिए। तो अब आपको यकीन हो गया होगा, तो मैं आपको और सारा चीज़ बता रहा हूँ वीडियो में, बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कुमार कुशवाहा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा स्क्विंट, जो तिरछापन कहलाता है हिंदी में और इंग्लिश स्क्विंट, इसको इसका इलाज हो सकता है या नहीं, संभव है या नहीं, होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कैसे लोग का इलाज संभव है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बात आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद इसका इलाज कराया है और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ बताऊँ, आपका भी कुछ मदद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा एज लगभग 20 हो गया था, थोड़ा कम था जब मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका इलाज संभव है, बिल्कुल ठीक हो सकता है आपका स्क्विंट, और इसके लिए आपका मतलब किसी भी एज में ये ठीक हो सकता है और इसका इलाज संभव है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अब अगर आप इसका इलाज कराना चाहते हैं तो घर के लोग कभी आपका मदद नहीं करेंगे, बोलेंगे ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसा हो वैसा ही रह, ठीक है, क्या हुआ है। बहुत सारे दोस्त भी मजाक उड़ाएंगे, घर वाले पर तो आप भरोसा ही मत कीजिए, घर वाले कभी आपका सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने आजमाया है। और आप सोचेंगे मैंने कैसे करा, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर लोगों के कमेंट्स पढ़े, इस पर वीडियो देखे, डॉक्टरों से बात की, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हाँ मेरे घर वाले भी मदद नहीं किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं, करा ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला बाद में वाला दोनों फ़ोटो भेजा हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने। तो फिर मैंने अपने घर वालों से बात किया, घर वाले माने ही नहीं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा आदमियों के सामने मतलब जलील भी होना पड़ा इसके लिए, तो मेरा कोई मदद नहीं किया। और मेरे पास जॉब भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, सपोर्ट माँ बाप के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते थे, बट हुआ क्या, मैंने फिर भी अपना जिद नहीं छोड़ा, पकड़े रहा, बहुत बच्चों से बात कराने की भी सोची, अपने मम्मी पापा को, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, नहीं बात की। मैंने इसके लिए मार भी खा लिए थे, बताओ 19, और जैसे मैं 20 साल से थोड़ा ही कम था, जैसे 4 महीने कम था, मैंने अपना अगस्त में ऑपरेशन कराया, तो मेरे पापा मेरे को पीट भी दिए इसके लिए, फिर भी मैंने नहीं माना और भाग चले दिल्ली, भाग के घर छोड़ के। मेरे पास कुछ पैसे थे और मम्मी तो मम्मी ही होती है, उसने कुछ पैसे दे दिए, 500 रुपये, और खाना वाना बना के दे दिए। मैंने क्या ट्रेन का भाड़ा बचाया और चल दिया दिल्ली, और फ्री सेवा, कुछ पैसा बचाया कि कुछ काम करेगा, गए पता लगाए, और यहाँ से डॉक्टरों से बात भी की थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा 15 से 25 लगेंगे। तो मैंने सोचा था कि पहले तो पता तो लगाओ, सरकारी में भी मैंने देखा था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम बोले कि आने जाने का तो है, चलो ठीक है, बट टाइम तो, मेरा मामा का घर है गुड़गांव, वहीं पे मैं रहा और इसका इलाज के लिए तो मैं गया, और एक कंपाउंडर उसमें का था, उससे बात किए थे कि कुछ पैसे लेके मेरा जल्दी करा देना सरकारी में, बट वो पीछे हट गया, नहीं कराया ऐसा कुछ। तो मैं गया, जो मतलब चारों ओर पता लगाया, मुझे पता चला कि हाँ मेरा अब ठीक हो जाएगा। तब करता क्या, किसी भी तरह कुछ 10 दिन रहे और घर पे आए, मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट किया, पापा को भी कि चलो चलो चलो, फिर क्या था 2 महीने बाद चले। मेरे दादाजी भी बोल दिए थे कि जा इसका इलाज करा दे, ठीक हो या खराब हो जाए, इसका मतलब इलाज करा दे, जो करा है करने दे, जो होगा अपना ये लाइफ समझेगा। तो मैंने भी बोला था कि हाँ चलो ठीक है। तो क्या था, फिर मैं मम्मी को लेके गया और मैं उस हॉस्पिटल में गया जिसमें 15 से 25 मांगा था। तो फिर क्या था, उसने मुझे देखा और 500 रुपये मेरा फीस लिया केवल बात करने के लिए, और
फिर मैं गया तो मेरे एक भैया हैं मामा के लड़के, वो बोले कि चल मैं एक और हॉस्पिटल में ले चलता हूँ, उसमें तू देख ले कि क्या होगा क्या नहीं, तू कम से कम दिखा ले, वहाँ पे मत कराना। तो मैंने बोला ये आई वाला हॉस्पिटल है स्पेशल, मैंने सोचा वो तो सब चीज़ का है, एक ही डॉक्टर सब चीज़ का करता होगा, पर ऐसा वहाँ पर नहीं था। तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये दिए, उसके बाद सोचा कि चलो, वो डॉक्टर बोला था पैसा जमा करा, मैंने भैया ने नहीं जमा कराने दिया। तो फिर मैं गया और SGT हॉस्पिटल गुड़गांव, गुड़गांव ज़िले में ही पड़ता है SGT में, डॉक्टर अशोक खुराना लंदन से पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा इसका इलाज किया। उसने मुझे देखा, बोला इलाज हो जाएगा, बोला परसों आ जा, एक दिन पहले आना होता है, परसों इलाज करेंगे तुम्हारा। तो मेरे बॉडी का सारा चेकअप किया। तो मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉस्पिटल के कुछ कुछ हॉस्पिटलों के एड्रेस, और अपना कुछ कागजात भी दिखाऊंगा कि मेरा है, उसका कितना पैसा लगा, क्या सारा चीज़ अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल में बनाया हूँ, बहुत मेहनत लगा इसमें।